सो गाइज, ये फाइनली हमारे पास आ चुका है नॉइस की तरफ से, नॉइस फ्लेयर। और जैसा कि मैंने आपको रिव्यू में बताया था कि डेफिनेटली ये बहुत बेटर होने वाला है। 35 आवर्स तक आपको नॉन स्टॉप प्लेबैक टाइम मिलता है। साथ में यहाँ पे जो बॉक्स कंटेंट है यहाँ पे, वो सारी की बात सारी बातें होंगी, आगे पूरा का पूरा अनबॉक्स करेंगे और मैं छोटा सा रिव्यू भी दूंगा इसका। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे, क्वालकॉम चिप आपको इसमें मिलती है और इसी के साथ साथ मल्टी फंक्शन टच कंट्रोल मिलते हैं आपको। अप टू 35 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम मिलता है। साथ में कॉल वाइब्रेशन, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब नेक बैंड में इस प्राइस रेंज में कॉल वाइब्रेशन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ड्यूल माइक कॉलिंग मिलता है आपको, दो माइक मिलते हैं तो यहाँ पे कॉलिंग फैसिलिटी अच्छी हो जाती है। अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग मिलती है आपको इसमें, करीब करीब ये डेढ़ घंटे से 1.8 आवर्स तक में पूरा फुल चार्ज हो जाएगा। लो लेटेंसी मिलती है आपको, IPX5 वाटर रेजिस्टेंट भी मिलता है। यहाँ पे जो प्राइस इसका मेंशन किया गया है वो एग्जैक्टली 4000 रुपीज़ मेंशन किया गया है, बट मेरे को ये 1650 रुपए के पड़े हैं, 1650 या 30 रुपए के। तो मैं बताऊंगा कैसे मेरे को इतने सस्ते पड़े। तो इसको सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पे इसकी इस तरीके की पॉलीथिन को ओपन करना है यहाँ से, और आई गेस तो गाइस मैंने पॉलीथिन को ओपन कर लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको दो सील्स मिलती हैं, एक यहाँ पे नॉइस की यहाँ पे सील मिलती है और एक यहाँ पे ऊपर की साइड सील मिलती है। तो हम दोनों को ब्रेक कर लेते हैं एक बार। मेरे पास कटर तो है नहीं तो मैंने अपने हाथ से ही कर लिया है। और यहाँ पे भी आपको एक सील मिलती है, इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक कर लिया है दोनों सील्स को, और इसको हम ओपन करते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ऊपर की साइड से आपको थोड़ा सा फोर्स लगाना है, थोड़ा सा ये टाइट है, आई गेस ओके। तो इस तरीके से आपको मिलता है, ये आप देख सकते हैं, लिसन टू नॉइस विद इन। तो इस तरीके से आपको एक स्लोगन मिलता है इनका, और बहुत अच्छी बात है, एक वेलकम नोट दिया गया है। साथ में देखें तो यहाँ पे और क्या मिलता है आपको, ये नेकबैंड मिलता है और साथ में यहाँ पे एक और कुछ मिलता है यहाँ पे। इसको ओपन करते हैं, देखते हैं। प्रेजेंटेशन तो मेरे को बहुत अच्छी लग रही है और डेफिनेटली यहाँ पे जो लुक होगा उसका भी वो भी अच्छा होगा। यहाँ पे आपको कुछ पेपर वर्क मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे एक नॉइस की यूज़र गाइड मिलती है जहाँ पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। साथ में यहाँ पे आपको नॉइस के कुछ यहाँ पे वारंटी कार्ड मिल जाती है। नॉइस के प्रोडक्ट की मेरे ख्याल से जो बुकलेट है वो नहीं दी गई है इस बार, तो इसको हम रखते हैं साइड में, आते अपने इसकी तरफ। और यहाँ पे आपको मेन यूनिट है वो मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ इसका वो मिल जाता है, ईयर टिप्स और साथ में ईयर हुक्स मिल जाते हैं। तो ये अच्छी बात है, ईयर हुक्स दिया गया और ईयर हुक्स की क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। एक बार मैं दिखा देता हूँ आप सभी को, यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छा खासा सिलिकन रबर यूज़ किया गया है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे एक बड़ा वाला भी मिल जाता है, ये आप देख सकते हो। तो आपके प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है, आप छोटा वाला यूज़ करते हो या बड़ा वाला। उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ चार्जिंग केबल मिल जाती है टाइप सी, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो केबल की क्वालिटी अच्छी है, ठीक ठाक है। और यहाँ पे ये रिच टाइप सी चार्जिंग, तो इस तरीके से आपको मिल जाता है। तो इसको रखते हैं हम साइड में सारी की सारी चीज़ें, और अपने मेन यूनिट पे आते हैं। तो इस तरीके से आपको मिलता है, जो क्वालिटी लग रही है मेरे को ठीक लग रही है। अभी हम इसको ओरिजिनली चेक करेंगे और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलता, दैट्स इट। यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें फिनिश हो जाती हैं। तो हम इन सब को रखते हैं साइड में और आते हैं अपने मेन यूनिट पे। बात करूँ आप सभी से तो इस तरीके का आपको लुक मिलता है यहाँ पे। ये थोड़ा सा मेरे को ये प्लास्टिक की फील लग रहा है, ये प्लास्टिक का ही है पूरा का पूरा। और यहाँ पे जो वायर की क्वालिटी अच्छी है, मतलब अच्छा खासा मोटी वायर दी गई है यहाँ पे आपको, और साथ में आपको मैग्नेटिक आपको ये टिप्स मिलते हैं, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ज बिफोर यूज़, तो यहाँ पे इस तरीके से यूज़ किया गया है। और यहाँ पे एक फिल्म लगी हुई है, इसको हम हटा सकते हैं, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ, रखना क्या है फालतू का। तो इस तरीके से ये हट जाती है, यहाँ पे एकदम ये न्यू आपको मिल जाता है। और यहाँ पे भी मैं हटा देता हूँ इस फिल्म को,
इस पे मैग्नेटिक पिंस पे आपको जो रियलमी की तरह वो चीज़ नहीं मिलेगी, आप पेयर कर लो एकदम से फिर इसको वो कर दो, ऐसा इसमें ऑप्शन नहीं है। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेन यूनिट की, तो यहाँ पे नॉइस की ब्रांडिंग दी गई आप देख सकते हो, और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो वायर की क्वालिटी वो भी अच्छी है, जैसे मैंने आपको बताया अच्छी खासी थिक वायर दी गई। यहाँ पे रबर जो स्लैब है वो दिया गया, जिसकी वजह से इसको कोई मतलब टूटेगा नहीं जल्दी, और साथ में यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। सो गाइज बात करें यहाँ पे ईयर टिप्स की, तो यहाँ पे आपको मेटेलिक मिलता है पूरा का पूरा, और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको अंदर की साइड मेटेलिक मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, अपने आप ये खराब नहीं होने वाला। और इसी के साथ साथ आगे की साइड में पॉलीकार्बोनेट का दिया गया है, थोड़ा सा प्लास्टिक की फील होता है, और डेफिनेटली यहाँ पे जो क्वालिटी है वो प्रीमियम यहाँ पे फील होती है, क्योंकि यहाँ पे मैश मेटल का दिया गया है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये फॉल ऑफ नहीं होगा। और यहाँ पे जो इसकी क्वालिटी है, मतलब जो आपको ईयर हुक्स मिलते हैं, ये भी अच्छी बात है, और साथ में यहाँ पे ईयर टिप्स मिलते हैं, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक एडेड एडवांटेज है कि आपको ये मेटेलिक मिलता है, तो यहाँ पे प्रीमियमनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे नॉइस की ब्रांडिंग भी दी गई है, आप देख सकते हो, आई गेस दिख रहा होगा आपको, ब्लू कलर में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहे हैं ऑलरेडी। बट यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को ये इशू लगा कि यहाँ पे अगर ये मेटेलिक होता या एल्युमिनियम होता तो ज़्यादा बेटर लगता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में आपको सेकेंडरी माइक दिया गया है, यहाँ पे आपको प्राइमरी माइक मिल जाता है, उसी के साथ साथ नीचे एलईडी लाइट्स मिलती हैं, और डेट सेट आपको यही सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। और यहाँ पे जो रबर पैडिंग दी गई है बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे जो सिलिकॉन मटेरियल का यूज़ किया गया, तो ये स्किन फ्रेंडली है। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लगा ये मेटल देना चाहिए था, मतलब एल्युमिनियम देना चाहिए था, ये प्लास्टिक यूज़ किया गया, तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करी गई है डेफिनेटली, क्योंकि रियलमी ने जब लॉन्च किए थे अपने 1700 रुपये में, तो उसमें आपको ये बहुत ही अच्छा मिलता है स्किन फ्रेंडली, सिलिका जेल वाला आपको जो मिलता है, ये जो नेक बैंड है, नेक हेड है, और नीचे की साइड आपको एल्युमिनियम फिनिश मिलता था, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करी गई है। मेरे ख्याल से 35 आवर्स तक का आपको प्लेबैक टाइम मिलता है, शायद उसी वजह से इसमें कॉस्ट कटिंग करी गई है, तो एक्जैक्टली यूज़ करने पे पता चलेगा कितना इसमें प्लेबैक टाइम मिलता है, और यहाँ पे मैं सैंपल भी दूंगा आपको। एंड गाइज एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कोई सिंगल बटन नहीं मिलती है आपको, एक भी बटन नहीं मिलती है जिससे आप कंट्रोल कर सको, बट यहाँ पे एक आपको टच सेंसिटिव यहाँ पे एक एरिया मिलता है नॉइस की, जहाँ ब्रांडिंग है, यहाँ से आप सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप इसको आंसर करना चाहते हो कॉल को, एक बार आपको टैप करना है, आपकी कॉल आंसर हो जाएगी, तो ये एज अ आंसर कॉल का बटन का काम करता है। उसी के साथ साथ डबल टैप करते हो तो एंड कर सकते हो कॉल को, और अगर आपको रिजेक्ट करनी है कॉल तो 2 सेकंड के लिए इसको होल्ड कर दो तो रिजेक्ट हो जाएगी कॉल, और उसी के साथ साथ वॉइस असिस्टेंट अगर आपको लोड करना है तो 3 सेकंड के लिए इसको होल्ड करके रखिएगा तो आपका वॉइस असिस्टेंट लोड हो जाएगा। और सॉन्ग सुनते हो तो डबल टैप करना है आपको नेक्स्ट सॉन्ग के लिए, और ट्रिपल टैप करना है प्रीवियस सॉन्ग के लिए, और साथ में अगर एक बार टैप करते हो तो पॉज हो जाएगी, फिर से दोबारा टैप करते हो तो प्ले हो जाएगा सॉन्ग। तो इस तरीके से काम होता है, ये बहुत यूनिक इसमें फीचर दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं इस प्राइस रेंज में पॉसिबल नहीं है देना, टच सेंसिटिव एरिया। और यहाँ पे आपको वाइब्रेशन अलर्ट मिल जाता है इधर की साइड, और यहाँ पे आपको बैटरी कंपार्टमेंट मिल जाता है, तो ये अच्छी बात है, यहाँ पे एडेड एडवांटेज है ही है, वाइब्रेशन अलर्ट्स भी मिलते हैं, साथ में आपको यहाँ पे 35 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम मिलता है, साथ में यहाँ पे टच सेंसिटिव एरिया दिया गया, जिसकी वजह से इसको यूनिक ये फीचर बनाता है, और डेफिनेटली यूएसपी इसकी सबसे बड़ी यही है। सो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज करने के बाद ये ऑन हो चुका है, यहाँ पे डिस्चार्ज था प्रॉपरली, पूरा डेड था ये, और यहाँ पे मैंने बैटरी चार्ज की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लिंकिंग एलईडी जा चुकी है पेयरिंग में, तो इसको हम पेयर करते हैं सबसे पहले, फिर देखते हैं यहाँ पे इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है और इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है। तो गाइस सबसे पहले आपको जाना है अपने फ़ोन पे, और फ़ोन पे जाने के बाद आपको अपने नोटिफिकेशन एरिया में जाना है, और या तो आप डायरेक्टली ब्लूटूथ में जा सकते हो और ब्लूटूथ को ओपन कर सकते हो, यहाँ पे पेयरिंग में ऑलरेडी है तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इसको ऑन कर लेना है, यहाँ पे पेयरिंग मोड में ऑलरेडी है आप देख सकते हो, इसको ऑन कर लेना है, और यहाँ पे ब्लूटूथ सर्च होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ये नॉइस फ्लेयर आ चुका है नीचे की साइड आप देख सकते हो, तो इसको मैं पेयर करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे पेयरिंग के लिए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए आप, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, और यहाँ पे 14% बैटरी बची हुई है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी करता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी ये डिस्चार्ज होके ही आया था आई गेस, तो यहाँ पे पेयर हो चुका है, तो मैं इसको लाइव सुन के दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो सबसे पहले हम सॉन्ग ओपन कर लेते हैं। सो गाइस जैसे कि मैंने इसको सुना, और मैं अपना वर्डिक्ट देने से पहले आप सभी को इसकी एक सैंपल सुनाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं अपना माइक आगे करूँगा और आपको सुनाऊंगा इसकी लाइव साउंड क्वालिटी। तो ये था थोड़ा सा साउंड सैंपल टेस्ट आप सभी के लिए, और आपको वाइब्रेशन अलर्ट्स मिलते हैं इसमें, यस मैंने चेक किया है, और कॉल आती है तो वाइब्रेशन अलर्ट्स आपको मिलते हैं।
अब मैं बात करूँ यहाँ पे साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी इसकी अच्छी है, मतलब जो बेस है वो मैनेजेबल वे में अच्छा दिया गया है यहाँ पे, ना ज़्यादा ओवर पावरिंग है ना ही बहुत ज़्यादा कम है। और साथ में यहाँ पे एक चीज़ मेरे को थोड़ी सी खामी लगी कि यहाँ पे जो साउंड की क्वालिटी है वो थोड़ी सी, मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ रियलमी से तो रियलमी की थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी से, बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ म्यूज़िक सेपरेशन की, और मतलब साथ में यहाँ पे जो वोकल्स हैं वो क्लियर आती हैं इसमें एज़ कम्पेयर टू रियलमी वाले में, तो इसका कंपेरिजन मैं रियलमी के साथ भी लेके आऊँगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो लाउडनेस है वो थोड़ी सी कम है, यस डेफिनेटली इसकी लाउडनेस थोड़ी सी कम है। और साथ में यहाँ पे जो मैंने आपको साउंड सैंपल सुनाया, यहाँ पे बीट्स बहुत अच्छी आती हैं और क्लैरिटी बहुत अच्छी है इसमें, मतलब साउंड आपको एकदम क्लियर सुनाई देगी, तो ये बहुत अच्छी बात है, वोकल्स क्लियर हैं एकदम। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो माइक की क्वालिटी वो भी बहुत अच्छी है, मैंने इसको यूज़ करके देखा और डेफिनेटली यहाँ पे जो सामने वाले को वॉइस थी वो एकदम क्लियर आ रही थी, क्योंकि ड्यूअल नॉइस का यूज़ किया गया, क्वालकॉम चिप इसके अंदर है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको नॉइस की तरफ से इतना अच्छा ब्रांड है जो ऑलरेडी इंडिया में। और उसी के साथ साथ यहाँ पे मेटेलिक आपको चेंबर मिलता है, साथ में यहाँ पे 35 hertz तक का नॉन स्टॉप प्लेबैक टाइम मिलता है, वाइब्रेशन अलर्ट्स मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, किफायती रेंज में आपको बहुत सारी चीज़ें एक ही प्रोडक्ट में मिल जाती हैं, तो डेफिनेटली इसको एक बार आप कंसीडर कर सकते हो। गेमिंग की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लेटेंसी कम है, बट उतनी ज़्यादा कम नहीं है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि जो आपके वायर्ड हेडसेट्स हैं वो यूज़ करें आप, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ JBL के जो कि है मेरे पास, इसको मैं यूज़ करता हूँ एज़ कम्पेयर टू दीज, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड नहीं करता बिल्कुल भी कि वायरलेस हेडसेट्स आप यूज़ करिए, बजाय उसके कि जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम हो वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। एंड गाइस इसमें ब्लूटूथ 5.0 मिलता है, तो ये भी अच्छी बात है, 10 मीटर तक की रेंज इसकी कंफर्म हो जाती है। साथ में यहाँ पे टाइप सी पोर्ट मिलता है, तो ये भी अच्छी बात है, यहाँ पे करीब करीब 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, 35 hours तक का आपको प्लेबैक टाइम मिलता है इसमें। और एग्जैक्टली बैटरी का तो मेरे को पता नहीं कितनी mAh बैटरी का यूज़ किया गया, तो मेरे ख्याल से 400+ mAh बैटरी का यूज़ किया हुआ है। तो ये था मेरा एक डीप डाउन रिव्यू नॉइस फ्लेयर के लिए, और डेफिनेटली मैं इसका कंपैरिजन लेके आऊँगा इसके जो इसकी सेम रेंज में आता है जो लॉन्च हुआ था रियलमी बर्ड्स वायरलेस, और डेफिनेटली उसका आप रिव्यू ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।